ये जोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ ठंडा के साथ ठंडा छिलते हो जाएगा कि ठंडा अपने जगह पे गर्म, वीडियो अपने जगह पे कभी एक दूसरे में सटेगा नहीं, गर्म ठंडा कभी नहीं सटेगा। बीएनटी का दे देंगे वीडियो के साथ, ये बीएनटी, ये वीडियो ठोस, ये हो गया। अब गर्म आपका डीसी का रेट के साथ, ये हो गया। इसको कट करके हटा देंगे, मेरा ठंडा एकदम अलग है। अगर कैसा हूं भी, अगर इसको हम सेलोटेप मारते हैं ऐसा करके, तब भी मेरा ठंडा एक दूसरे में नहीं सटेगा। तरीका ये हो गया आपका कनेक्शन करने का। क्या ये है कि कहीं से नहीं सटेगा ठंडा गर्म, तो शॉर्ट लगने का चांस है नहीं। एक बीएनसी कोड हुआ, एक कौन कोड होता है? डीसी। डीसी डीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, देख लीजिए तरीका। और येलो वाला सर ऑडियो का है। हाँ, ऑडियो के लिए, ऑडियो अगर लगना है तो ऑडियो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको गर्म में भी दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा तार है, कभी भी यूज में ले सकते हैं इसको। पीछे दे दीजिए, दूसरे तरफ बता कि ये पार्ट बीएनसी वीडियो अलग हो जाए और गर्म ठंडा अलग हो जाए, थोड़ा लंबा छिलने के बाद यही अपना बीएनसी इसमें एक लगा देना है। ये लगा दिए, ये डीवीआर में चला जाएगा सर, ये पावर सप्लाई में, देखने में अच्छा भी लगेगा, झंझट नहीं लगेगा उसमें। समझ गए ना कनेक्शन? ये दिखा दीजिए पीछे सब कनेक्शन, समझ में आ रहा है? ये वाला एसएफपीएस में चला जाएगा, ये पावर सप्लाई डीवीआर में हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस हो तो इतना अच्छा मस्त अपना रहेगा। चोटी बांध दीजिए, अगर आठ गो तार है तो आठ गो तार को अपना चोटी बांध दीजिए, आठ गो अलग हो गया अपना, ये अलग आठ गो कैमरा का वीडियो का आ गया, आठ गो का सेलोटेप मार के अलग कर दिए बीएनसी, ये एकदम अलग हो गया। मेन यही कनेक्शन है एचडी और एनालॉग में, एनालॉग तो खत्म हो गया, लेकिन उसका भी यही यही था और एचडी का भी यही, उसके जगह पर ये एचडी आ गया। अब यहाँ सीधे डीवीआर में लगाइएगा कैमरा, चालू पावर सप्लाई भी फिलहाल। नहीं गलत है, हम बताए थे दोनों अर्थ को ग्राउंड से नीचे थे, एकदम छिलना नीचे से, ऐसे पे सेलोटेप मारने में बनेगा तरीके से, नहीं बनेगा छिलने में गलती है ना। हाँ छिलने में ही कनेक्शन और सही है, छिलने में ही गलती है, ये चीज भी नहीं ऐसे करके दीजिएगा, ये जब से अगर सट जाता है ये अलग हो जाता है। सिर्फ और छिलना चाहिए बस ना, ये ठंडा को, ठंडा को, हाँ ठंडा को जड़ से छिले। कैमरे में सबको पावर इसी से लेता है, लेता है डीसी देता है। ठीक है, कनेक्शन कर लिए, अब लाइव कर देते हैं। माउस दो काला, एक पीला, एक लाल, एक ये, एक ये, इतना ही सामान देगा आपको नया डीवीआर।
नया डिवाइस साथ इतना ही सामान देगा, एक DVR, एक माउस वायर वाला, एक एडाप्टर और ये हार्ड डिस्क का केबल। ये डाटा केबल हो गया, ये पावर केबल। डाटा केबल ये हो गया, पावर केबल ये। हार्ड डिस्क में कितना पावर जाता है, कितना कितना? 12 वोल्ट। इसमें कौन सा कलर वाला 12 वोल्ट है, कौन सा कलर वाला 5 वोल्ट है? रेड वाला 5 12 वोल्ट है, पीला वाला 5 12 है। रेड वाला सर 5 वोल्ट है, पीला वाला हां सही है। रेड वाला 5 वोल्ट है, पीला वाला 12 वोल्ट है। तुमने ना इसमें हार्ड डिस्क में रेड वाला 5 वोल्ट है, पीला वाला 12 वोल्ट है, मीटर है, चेक कर सकते हैं। ये कंपलसरी है, इसमें यही है, हर किसी में मिलेगा यही कलर कोड। हैं, हर किसी में, किसी भी डिवाइस में आएगा तो यही आएगा। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी लगेगा तो यही वाला, उस दिन देखा था ना, उसमें भी यही 4 तार है पावर सप्लाई में, हार्ड डिस्क में यही वाला तार रहेगा। ऐसा ही हो सकता है कि इसका दोनों बीच में आ जाए ग्राउंड, वो बात अलग है, लेकिन रहेगा यही कलर। पीला वाला इसमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट तो काहे ला दोगो देता है इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। हार्ड डिस्क में वो मोटर होता है, और भले मीडिया रखा हुआ रहता है, वो मोटर को नचाने के लिए 12 वोल्ट, और हेड जो रहता है जो पढ़ता है ये देखो, उसके लिए 5 वोल्ट रहता है। तो पता नहीं चलेगा जब हार्ड डिस्क खोलिएगा ना, तब पता चलेगा। उसके लिए 12 वोल्ट चाहिए हार्ड डिस्क, समझे ना, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। अब 5 वोल्ट सर्किट के लिए, और यहाँ पर ही रहता है हेड मीडिया को पढ़ाने के लिए। जब पूरा खोलिएगा ना तो आपको नजर आ जाएगा, इसीलिए 5 वोल्ट 12 वोल्ट 2 वोल्ट पे ही चलता है, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। अब सबका यही रहता है, चाहे SSD हो चाहे कोई भी हो, यही लगेगा आपका, पावर के लिए, डाटा के लिए। एसएसडी बढ़िया रहेगा सर कि ये हार्ड डिस्क बढ़िया रहेगा? इसके लिए हार्ड डिस्क ही बेटर, एसएसडी बेटर नहीं है इसके लिए, अभी तक नहीं, हो सके आगे निकाल ले, ये अभी तक के लिए ये बेटर है, समझ गए ना। हार्ड डिस्क में सर एक और चेक बनाने के लिए होता था, फर्स्ट बुटेबुल, सेकेंड बुटेबुल, थर्ड बुटेबुल के लिए। तब इसका कहानी खत्म हो गया, पहले देता था, हो सकता है कि इसको वो रिकवरी कर भी या कुछ किसी और चीज के लिए दिए हुए हो, ये अभी हम नहीं कर सकते इसके लिए। ये पहले देता था जम्पर लगाने के लिए, प्राइमरी बनाने के लिए, सेकेंडरी बनाना, कसा जाएगा और इसको यहाँ लगा दीजिए जैक सिस्टम। हार्ड डिस्क को DVR को कस दीजिए, कंप्लीट हो गया। दो नट से पीछे कस दीजिए, कंप्लीट। कोई दिक्कत, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। चारे चैनल में अगला को चाहिए कि हमारा 6 महीना वारंटी रहे, तो डबल साटा वाला लेंगे। वो तो स्टोरेज के लिए, वो स्टोरेज के लिए है, चैनल से मतलब नहीं है। आप कितना दिन का बैकअप रखना चाहते हैं? तो अपना उस पर्पस से एक हार्ड डिस्क 24 घंटा में कितना बैकअप रहता है? 10 से 12, खाली 10 ना बोला कीजिए, 10 से 12, 10 से 12 GB खाता है, यानी 12 GB हम कंटिन्यू गिनेंगे। जैसे कि हमको 4 कैमरा कितना दिन चलेगा आपका 500 GB का हार्ड डिस्क? 10 दिन 12 से आप जोड़िए, 10 से 12 से ही मल्टीप्लाई यही मिलेगा, चाहे 4 चैनल हो, 8 चैनल हो, 16 चैनल हो, 32 चैनल हो, खाली साटा हो सकता है कि साटा का ये बढ़ गया हार्ड डिस्क का, अदरवाइज यही रहेगा हार्ड डिस्क लगाने का।
एक के ऊपर एक हार्ड डिस्क कसने नहीं 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 जैसे ही दो का रहेगा बड़ा हो जाएगा। अच्छा बड़ा हो जाएगा। चार का रहेगा और बड़ा होगा। हो सकता है कि मोटा भी हो जाए तो ऊपर नीचे रखने का स्लैब बना हुआ रहता है उस पर भी रख के कर सकते हैं। सर्किट रहेगा मोटा मोटी 16 का थोड़ा सा बड़ा होगा, 32 का थोड़ा सा और बड़ा होगा। एनवीआर में जाइए तो मात्र इसका आधे रहेगा, चाहे कितना चैनल का रहे। बारह भर का एडाप्टर और एक माउस वायर वाला, कितना मांगा लीजिए यही वायर वाला माउस है तेरा। ठीक है, अब डीवीआर को अटैच करते हैं टीवी से। एक्सटेंशन बोर्ड वाला, ये ऑडियो इन ऑडियो आउट, दो माउस बैकअप लेने के लिए या माउस कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, USB, ये LAN पोर्ट ऑनलाइन करने के लिए, ये DC पावर इसको देने के लिए। सर HDMI कनेक्ट रहेगा, फिर भी हमको वहाँ पर ऑडियो आउट का वो लगाना पड़ेगा। HDMI के थ्रू जाइएगा तो ऑडियो आउट लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक टीवी में आउट दे देगा वो। VGA में जरूरत पड़ेगा ऑडियो का, VGA में जरूरत पड़ेगा। अब ऑडियो नहीं है तो कहाँ पे लेगा? HDMI के थ्रू देंगे लेकिन ऑडियो नहीं लेगा क्योंकि इसमें ऑडियो का सेक्शन नहीं। क्या कोई एक दूसरे में उल्टा नहीं जाएगा, समझे ना, कहीं से नहीं जाएगा। अगर VGA रहता तो VGA में डालते, HDMI तो HDMI डाले, यही दो आउट का ऑप्शन ना। हाँ क्या एक ही रहेगा? आप दोनों दे सकते हैं, एक और मॉनिटर ला दीजिए VGA के साथ, हम डाल देते हैं, दोनों मॉनिटर आ जाएगा। जैसे मोबाइल नया लेते हैं तब बंद करते हैं, भले नया ऑन करते हैं तो अपना प्रोसेस लेता है ना, वैसे ही ये भी अपना अपना प्रोसेस लेगा, तभी कुछ होगा, तभी कुछ कर सकते हैं। एरर भी दे दिया ही, हार्ड डिस्क खराब के चलते लेट ले रहा था। ठीक ना, इतना लेट नहीं लेता है लेकिन हार्ड डिस्क खराब के चलते लेट ले साटा वन हार्ड डिस्क, यही साटा, यही साटा हो गया ना। अब पाटा कहानी खत्म हो गया, पाटा नहीं मिलेगा कहीं, अब साटे मिलेगा। पाटा देखे है कि नहीं? कहा था भाई है हमको कि बस इंडिकेट करे कि हमको आगे बढ़ना है, उस बीच में अगर कोई कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाता है तो वो करते हुए आगे बढ़ जाना। जब तक कि यहाँ ठीक है, इंग्लिश सेव कर दीजिए, यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आप जो डालना चाहते हैं डालिए। हाँ मोबाइल कैसे नया लेते हैं तो उसमें पासवर्ड, ईमेल आईडी सब डालने के लिए कहता है, वही चीज़ इसमें तो हम डाल देते हैं। मेरा पासवर्ड यही है IND, डालना चाहते हैं तो पैटर्न डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं ना, स्किप कर सकते हैं। नहीं लिया, कारण था कि ये वाला बीच वाला छूट गया था, ये ले लिया ये, और नहीं तो यहाँ स्किप कर सकते हैं। यहाँ हो गया पासवर्ड तोड़ने का ये तरीका है, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालिए, कस्टमर तंग करे तब कस्टमर का डालिए, लेकिन अपना ईमेल बुद्धि पढ़ा के अपना ईमेल आईडी डालिए, तो कलो के पासवर्ड भूल जाएगा तो आप कमा सकते हैं, समझे ना। अगर नहीं डालना है तो इसको टिक हटा दीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप अपना नाम डाल दीजिए तीनों में, तब भी पासवर्ड तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ डाल देते हैं गोपी। एक के नाम सब में भरिए, न तो पता चला कि इसमें कार्ड डाले थे, इसमें कार्ड डाले थे, गड़बड़ा जाइएगा। गोपी
ठीक है। चाहे तो अगर नहीं भी डालना है तो इसको टिक हटा दीजिएगा तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन हम एक ही डाले हैं, कहिएगा तो यहाँ भी डाल सकते हैं, डाल ही देते हैं। जब जब खुलेगा ना तो ये कर देगा इतना क्वेश्चन, इसीलिए इसको हटा के नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। यहाँ डेट टाइम सेट कर सकते हैं, तो बाद में भी सेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक ना। और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर लैंप पुट लगा हुआ है तो यहाँ DHCP ऑन करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिक IP उठा लेगा, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, अपना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अगर वहाँ पर डाले हुए रहते तो ये स्टेटस ऑनलाइन शो कर देता, बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट छोड़ दीजिए, सब सेटिंग छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है अपने को। ये हार्ड डिस्क लगा हो जाता तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन देता, फिनिश, आपका यहाँ फिनिश हो गया। अब जब खुलिएगा तो इतना ही दूर खुलेगा, अब वो सब चीज़ नहीं पूछेगा, देता रहेगा जब तक हार्ड डिस्क नहीं लगेगा। राइट क्लिक कीजिए, हट जाएगा, देखिए आपका चारखाना तैयार। हम यहाँ से न दिए, वहाँ से है, पावर उसी को रहने दीजिए, अदरवाइज ये लगाते हैं हम, तब DC खोलते हैं, समझ बात को ना, DC छोड़ दीजिए, DC छोड़ दीजिए, अब इसको लगाइए, चलो जितना पे लगाइएगा, चार नंबर में चार, एक नंबर में एक, दो नंबर में दो, ये आपका चार नंबर में लगा हुआ है, इसको चाहिए ना तीन नंबर में, तो तीन नंबर पे ले जाके लगा देंगे, ये तीन नंबर में आ जाएगा। तीन नंबर नहीं, हमको एक नंबर में ही वाला चाहिए, तो खोल के एक नंबर में कर देंगे। तीर्छा तीर्छा है, एक दो तीन चार आ गया ही। कल कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अगर अर्थ अर्थन दो तार खड़ा